हेलो देखिए ऐसा है कि मेरी जानकारी में मैं बरेली में यूपी जोड़ो यात्रा में था, तो वहाँ पर जानकारी ये आई कि नगर निगम मेरठ में यहाँ पर हमारे जो सभासदगण हैं, जो हमारे अपनी बात उठाते हैं सदन के अंदर, इनको काफ़ी मारा पीटा गया है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, इनको जातियों को गालियां दी इनके नाम लेकर। और वो दोनों लोग कौन हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के एक MLC हैं, भारद्वाज हैं कोई, और एक कोई यहाँ पे सोमेन तोमर हैं, मंत्री हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं। और मंत्री एक चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हाथों से मार रहे हैं, ये वीडियो हम लोगों ने देखा। तो मैंने सोचा, फिर यहाँ बात किया, हमारे बात हुई शर्मा जी से, हमारे सर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी से, विशाल जी से, तो हम लोग वहाँ से तुरंत चले कि भाई चलो पहले चलते हैं, क्योंकि ये नौजवान साथी जो अपनी बात मजबूती से रखते हैं सदन के अंदर और अपने उत्थान की बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से इनको चल के बल दिया जाए। तो मैं लगातार 5 घंटे से चलकर आया और निश्चित आज यहाँ आकर लगा, जिस तरीके से चीज़ें ये कह रहे हैं कि हम लोग सदन के अंदर भी हमें मारा गया और सदन के बाहर भी मारा गया, तो ये सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है और ये गुंडे ही कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करें। योगी जी तत्काल बड़ी बड़ी बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, चलावे मंत्री के घर पर, MLC के घर पर बुलडोजर, ये मांग करते हैं, बर्खास्त करें उनको, तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजें। ये गुंडे ही है, इस तरह से गुंडे ही होगी, ये जंगल राज कायम है, ऐसे नहीं चलने देंगे। पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। हम अगर इस पर गिरफ्तारी नहीं भी, कार्रवाई नहीं भी, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं दलित एक्टिविस्ट डॉक्टर सुशील गौतम हूँ और मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के दलित उत्पीड़न को लेकर 10 जनवरी को एक आंदोलन है दलित महापंचायत के नाम से, और उसमें एक इंदु शेखर का मर्डर हुआ, और आज तक 2 आरोपियों को जो मंत्री और उनके लोगों के रिश्तेदार हैं, सुनिए सर, एक मिनट, क्या कांग्रेस सिर्फ दिलासा देने के लिए आएगी या उस दलित आंदोलन में साथ देने के लिए? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को सर दिलासा नहीं चाहिए, लड़ाई चाहिए। आज मैं बरेली से आया हूँ, मैं दिलासा देने नहीं आया, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने आया हूँ। और मेरे बारे में आप सब जानते हो कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। निश्चित तौर से आप जो पंचायत कर रहे हैं, उस जो दलित पंचायत है, उसका पूरा समर्थन हम लोग करेंगे, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन में आपके साथ खड़ी रहेगी। और जो भी चीज़ें इस तरीके के हैं, आज इनको ये एक सभासद के साथ अत्याचार अन्याय होता तो जनप्रतिनिधि, अब उसको जाति सूचक शब्दों का नाम देकर दिया गया, ये चीज़ हम लोगों को बहुत खराब लगी कि जात को गाली देकर आप इस तरह से काम करोगे, ये टोटल गलत है। किसी व्यक्ति के ऊपर, चाहे कोई इंसान हो, आप एक जनप्रतिनिधि को मारे और एक जात के सूचक लेकर इस तरीके से कर रहे हैं, हम लोग इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ खड़ी है, और जो आंदोलन ये लोग करने वाले हैं उस आंदोलन में है, और जरूरत पड़ेगी तो हम सारे लोग एकजुट होकर मेरठ से लेकर लखनऊ तक हर जगह, आज यूपी जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी है, यही कारण है। ये जो अत्याचार अन्याय हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, इस नाते हम लोग निकले हैं, पदयात्रा रोज 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल रहे हैं, कि सबको आज बताया जाए, समझाया जाए कि ये सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी है, ये पूरी तरीके से व्यापारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला, 2-2 विधायक महिलाओं के साथ बलात्कार में जेल में बंद है इनके, एक वहाँ राम दुलारे गौंड सोनभद्र का, दूसरा कुलदीप सिंगर दलित, और वो दोनों जो है एक बच्चियों के साथ रेप में बंद हैं ये लोग। तो ये सरकार पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय सरकार है, और निश्चित तौर से जो इन लोगों ने कहा है, पूरा समर्थन और सहयोग हमारा रहेगा, पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े रहेंगे।